ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जो सामान्य जो आईपीसी के अपराध होते हैं, साथ ही साथ जो बस्तर रेंज यहाँ पे जो नक्सली, और साथ ही साथ इसमें हम पूरे वर्ष भर में कहाँ रहे हमें लेना, जिससे कि आने वाले समय में जो पुलिस और प्रेस या पुलिस और मीडिया के बीच वर्ष भर में कुल 4,817 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, और इसमें सभी जिलों ने इसमें विवेचना करके इसमें अच्छी कार्रवाई करके कोर्ट में चालान प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ जो प्रतिबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होती है उसमें भी रिकॉर्ड कार्रवाई की है। इसके अलावा जो ये क्षेत्र गांजा के स्मगलिंग के लिए जाना जाता है, इसमें भी रिकॉर्ड कार्रवाई पूरे रेंज में हुई है, और करीबन 38,000 किलोग्राम से ज़्यादा की गांजा जब्ती हुई है, और ये रिकॉर्ड है जो कि पिछले दो सालों की तुलना में करीबन 2015 की तुलना में करीबन 89%, और अगर 2015 करें तो करीबन 300 से ज़्यादा परसेंट की बढ़ोतरी हुई है कैनाबिस में जो गांजा स्मगलिंग है, और इसमें बस्तर और कोंडागांव जिले में अच्छी कार्रवाई की है। एवं सुरक्षा बलों का जो सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की जनता है, और उनको साथ में लेने के लिए हम लगातार सामुदायिक पुलिसिंग तहत काम कर रहे हैं, और इसके तहत हरेक जिला में विभिन्न नामों से काम किया जा रहा है, और इसके तहत बस्तर पुलिस को इंटरनेशनल अवार्ड भी कम्युनिटी पुलिसिंग के क्षेत्र में मिला है। साथ ही साथ इससे लोग बड़ी संख्या में पुलिस के पास एवं सुरक्षा बलों के पास आ रहे हैं, और उनकी जो मेन जो डिमांड होती है कि उनके क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और उनके क्षेत्र में जो विकास के सारे साधन हैं उनके गांव तक भी पहुंचना चाहिए, और इसके लिए जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, प्रशासन सरकार प्रतिबद्ध है, और इसके तहत लगातार क्षेत्रों का विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। और जहां तक अगर सड़कों का निर्माण की बात करें तो करीबन 700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पुलिस एवं सुरक्षा बलों के सहयोग के द्वारा किया गया है, जो कि टारगेट 1300 किलोमीटर था, जो कि इस साल के जून तक होना है, तो इस साल जून तक जो 1300 किलोमीटर निर्माण है उसको भी हम पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से हम समग्र रूप से देखें तो वर्ष 2017 पुलिस एवं सुरक्षा बलों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहा, और आशा करते हैं कि वर्ष 2018 भी जो समन्वित प्रयास है पुलिस का एवं जो CAPF का, उसके तहत हम आगे भी अच्छा कार्य करेंगे। कार्रवाई में पहला LMG जब्त हुआ है, अभी तक जितनी भी नक्सलियों के साथ जो भी हथियार मुठभेड़ के बाद बरामद हुए हैं, तो ये पहला LMG वर्ष 2017 में 4 AK-47 राइफल, 3 SLR, 4 इंसास राइफल एवं 6 303 बोर राइफल। इस तरह से तो सबसे ज्यादा वर्ष 2017 में आप सभी लोगों को बुलाया गया है। सबसे पहले अगर बस्तर रेंज की बात करें, 7 जिलों में जनरली सामान्य तौर पर यहाँ पे हम नक्सली अपराधों को देखते हैं, या नक्सली अपराधों या नक्सलियों के द्वारा किस प्रकार से अपराध घटित किए जाते हैं उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, और विशेषकर क्या ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन में क्या सफलता मिलती है उसको लेके हम ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं, और उसको लेके ज़्यादा हमारा ध्यान भी रहता है। टारगेट था उसके कितने करीब पहुँच पाए और बड़ी सफलताएँ आप क्या मानते हैं? ये बस्तर रेंज में अगर वर्ष 2017 को अगर पूरे समग्र रूप से देखें तो इसमें हम पाएंगे कि इसमें पुलिस एवं सुरक्षा बलों के द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई, चाहे वो IPC के ऑफेंसेस हों, चाहे वो सेक्शन के तहत कार्रवाई की बात हो, चाहे लघु अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात हो। इसके अलावा जहाँ तक नक्सली गतिविधि है उस पर अंकुश लगाने की बात हो, अगर समग्र रूप से देखें तो इसमें पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने काफ़ी हद तक जो भी टारगेट थे उसको सफलता करने में सफलता हासिल की है। और साथ ही साथ अगर कुछ एक घटना दो घटनाओं को अगर छोड़ दें, पूरे बस्तर रेंज में एक भेजी की घटना और एक दुर्गम्बा की घटना, इन दो घटनाओं को छोड़कर हमने नक्सली गतिविधियों में भी काफ़ी अंकुश लगाई है, और जो नक्सलियों का स्ट्रांग होल्ड एरिया है सुकमा जिले में, जो कि बटालियन नंबर 1 का स्ट्रांग होल्ड जो टोंडा मार्का उसके साथ साले तोंग ये जो एरिया है उसमें भी हमने घुसकर ऑपरेशन किया है और उसमें भी सफलता हासिल की है। और अगर नक्सली गतिविधि अन्य जो डिवीजन की बात करें, जैसे दरबा डिवीजन हो गया, ईस्ट बस्तर डिवीजन हो गया है, इसको भी हमने पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। साथ ही